जुम्मा के दिन उनका लाइव बयान चलता है। इंशाल्लाह आपसे गुजारिश है कि लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हजरात माशाल्लाह, अभी आप सुन रहे थे मेरे रफीक महतरम हजरत हाफिज़ क़ारी अज़हर करीम साहब से कुरान पाक के उन्वान से चंद बातें। लिहाजा कुरान पाक से अगर हम सबको मोहब्बत है, तिलावत एक ऐसी चीज है कि उड़ती परिंदा भी सुनकर रुक जाते हैं। लिहाजा हमें कुरान से मोहब्बत है और हमेशा आखिरी सांस तक रहेगी इंशाअल्लाह, क्योंकि कयामत तक ये बाकी रहने वाली किताब है। इसीलिए ये बहुत ही मुख्तसर प्रोग्राम है, हमारे मेहमान मुकर्रम भी तशरीफ लाने वाले हैं। लिहाजा जो हजरात इधर उधर मुंतशिर हैं, मैं अदबन एहतरामन उनसे गुजारिश करता हूँ कि मजलिस में तशरीफ ले आए, इसलिए कि ये मौका कभी कभी हमें मयसर होता है। अल्लाह पाक जनाब खुर्शीद साहब के उम्र में हयात में बरकत दे। उन्होंने अपने वालिदैन के लिए इसाले सवाब का प्रोग्राम रखा है। अल्लाह उनके वालदेन की मगफिरत फरमाए, दरजात को बुलंद फरमाए। इसलिए जो हजरात इधर उधर मुंतशिर हैं, मैं फिर से दरख्वास्त करता हूँ, ये बहुत ही मुख्तसर प्रोग्राम है, आप हजरात अपने कामों को छोड़कर मजलिस में तशरीफ ले आए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرش فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا كذلك ما أتى الذين
من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل الذين كفروا من يومهم الذي يوعدون فويل للذين كفروا صدق الله.